उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 90 दिन में उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे किए थे। 90 दिन तो कब के गुजर गए, अब तो 3 साल भी बीत चुके हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने हुए 3 साल होने के बाद भी चंदौली के सकल, बिहार से लेकर कमालपुर तथा धानपुर तक गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। सैदपुर में भी सड़क गड्ढों से भरी हुई ही नजर आती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समय समय पर प्रदेश की तरक्की के बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके दावों की पोल खुलती हुई ही नजर आ रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले चंदौली के सकल बिहा मोड़ पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। अगर युवक किसी बड़े घर का होता तो ये मामला एक बहुत बड़ा रुख अख्तियार कर लेता, लेकिन वो गरीब था, उसकी मौत कागजों में ही दबकर रह गई। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, इसको तो आप यहाँ के नज़ारे को देख कर समझ ही सकते हैं। सरकार दावे वादे तो करती है, पर सब कागजों में सिमट कर ही रह जाते हैं, देखने को कुछ नहीं मिलता। वही एक बड़ा सवाल ये भी है कि इसी रास्ते से चंदौली के डीएम साहब भी गुजरते हैं और इस बदहाली को देखकर भी अनजान बने रहते हैं। जिलाधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अब इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जल्द ही मॉनसून शुरू होने वाला है, बारिश के दिनों में तो यहाँ का भगवान ही मालिक होता है। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या अधिकारियों के कानों पर जू रेंगती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और बात करते हैं कि इस गड्ढे के बारे में क्या कहना है, यहाँ लोगों की राय जानते हैं जनता। क्या यहाँ गड्ढा होने से कोई आप लोगों का गड्ढा से परेशानी, सबको आना जाना पड़ेगा, आप लोगों ने गड्ढे को बहुत खुशी वाला दवा जाते हैं, लोगों से बात किया और जाना, वही लोगों की समस्याएं से जूझना पड़ता है और वही एक लोगों को एक डर भी रहता है कि इस गड्ढे से बहुत बड़ा दावत दे रहा है। और यहाँ मोड़ से लेकर आपका इंडियन आयल तक पूरा गड्ढा है और इस गड्ढे को अभी तक एक गड्ढा किया गया, बस कागज भी समझ के रह जाता है सरकार के सारे दावे और बराबर देखने को कुछ नहीं मिलता। अशोक कुमार चौधरी।